हेलो एवरीवन, और आज हम बात करेंगे एथेनॉल के बारे में। देखिए, एथेनॉल एक बायोफ्यूल है जो बायोमास से बनाया जाता है, और इसका सबसे अच्छा कंटेंट मिलता है शुगर केन के अंदर, जिसके अंदर हाई लेवल ऑफ स्टार्च होता है। यानी कि जब शुगर केन को किसी ऑक्सीजन लेस एनवायरनमेंट में यीस्ट के साथ रखा जाता है, तो इस प्रोसेस पे होता है फर्मेंटेशन, जिसकी वजह से एक बायोफ्यूल बनता है जिसका नाम रखा जाता है एथेनॉल। और जब एथेनॉल को फ्यूल के साथ, पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, तो काफ़ी अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर मैं बात करूं 2014 की, तो तब इंडिया अपने पेट्रोल में सिर्फ 2% एथेनॉल को मिला रहा था। फिर 2022 के टाइम पीरियड में, आज प्रेजेंट टाइम पीरियड में, इंडिया अपने पेट्रोल के अंदर 10% एथेनॉल को मिला रहा है, और 2025 तक आते आते हमारा टारगेट 20% एथेनॉल को मिलाने का है। अगर पेट्रोल के साथ एथेनॉल को मिलाया जाता है, तो काफी सारे बेनिफिट क्रिएट होते हैं। इन्हीं बेनिफिट में से सबसे पहला बेनिफिट होता है लेस कार्बन इमल्शन। देखिए, पेट्रोल को यूज करने के साथ कई सारे कार्बन इमल्शन होते हैं, लेकिन पेट्रोल को जब एथेनॉल के साथ मिला के यूज किया जाता है, तो लगभग 27 लाख टन कार्बन इमल्शंस को कम किया जा सकता है। दूसरा बेनिफिट होगा फार्मर्स इनकम। देखिए, पिछले 8 सालों में फार्मर की इनकम लगभग 40,000 करोड़ बढ़ चुकी है। नई नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ चुकी है, और नए इन्वेस्टमेंट प्लान आ चुके हैं, जो सब एथेनॉल की वजह से ही आए। तीसरा बेनिफिट मिलेगा लेस इंपोर्ट। देखिए, इंडिया पेट्रोल को इंपोर्ट करने के लिए लगभग 85% डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्री पर रखता है, जिसकी वजह से इंडिया के फॉरेन रिजर्व्स खत्म हो जाते हैं। अगर मैं इंडिया के इंपोर्ट की बात करूं, तो 85% अमाउंट का वैल्यूएशन होता है लगभग $100 बिलियन। और अगर इंडिया अपने पेट्रोल में एथेनॉल को खुद मिलाना शुरू करता है, तो लगभग 41,000 करोड़ के फॉरेन रिजर्व्स को बचाया जा सकता है। अगर ये वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक करिए, इन्फॉर्मेटिव लगता है शेयर करिए। फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो क्लास तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।